सो हेलो एवरीवन, मैं हर्ष कुमार साहू आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पढ़ो दिल से में। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग जो है बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट वन पेपर टू का यूनिट वन जिसका पहला चैप्टर है वेब, उसको आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, मैं आप लोग के बीच कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड। तो आप लोग के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिएगा और मैं आप लोग को जो है नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करूँगा। तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग भी उसको अपने नोट्स कॉपी में लिखिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप लोग को डेली अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहला हमारा वीडियो आज का जो पहला चैप्टर है वो है वेव, ठीक है। तो वेव हम लोग बेसिकली हम लोग क्लास इलेवेंथ या पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि वेव होता क्या है। तो वेव बेसिकली है एनर्जी का जो है ट्रांसफ़र है ना, इस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ऊर्जा का स्थानांतरण को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, ठीक है। तो जो है ऊर्जा का स्थानांतरण दो चीज़ों में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ में होता है द्रव में होता है, उसके बाद जो है तरंग में होता है, ठीक है। सो इतना क्लियर होगा क्योंकि आप लोग जो है पिछली क्लास में इसको पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हम लोग बीएससी में जो है नई चीज़ें को पढ़ने वाले हैं और आप लोग को पता है कि बीएससी में जो है छोटी क्वेश्चन तो नहीं आता, बड़े बड़े क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन लोग को जो है प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो तरंग के हम लोग जानते हैं कि तरंग कितने प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यांत्रिक तरंग होता है और एक क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यांत्रिक तरंग मतलब इसमें क्या है, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं तरंग, ठीक है ना। अब यांत्रिक तरंग में क्या होता है कि द्रव्य की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें जो है पदार्थ की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है ना। और विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है कि इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। और इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यांत्रिक तरंग यानी कर्ण संचरण के लिए इसमें जो है मीडियम की आवश्यकता होती है। जस्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग के लिए हम लोग को जो है मीडियम की आवश्यकता होती है जिसमें वायु मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए भी गाइस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं एक्सरे, गामा किरणें, ठीक है, यूवी रेज यानी जितना भी रेज हैं वो सब की श्रेणी इसमें आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो है यांत्रिक जो है यांत्रिक तरंग को हम लोग डिस्टर्बेंस को जो है दो प्रकार से डिवाइड करते हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहला भाग है कि अनुप्रस्थ तरंग और जो है अनुदैर्ध्य तरंग, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग होता है जिसमें कि कर्ण संचरण करने के लिए दिशा तरंग संचरण के लंबवत होती है, ठीक है। माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा मतलब जिस जो कण कंपित कंपन करता है उसकी दिशा जो है तरंग संचरण के जो है परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तरंग संचरण की दिशा है वो आप मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंग बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं गर्त बोलते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है अनुदैर्ध्य तरंग मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है तरंग की दिशा जो है गति की दिशा के जो है अनुदिश होती है, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा संपीड़न होता है, संपीड़न यानी कंप्रेशन, फिर विरलन होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग सभी तरंग पास पास आ गए हैं, फिर दूर हो गए, फिर पास आ गए, फिर दूर हो गए, है ना। तो ऐसी प्रक्रिया जो है इसमें चलती रहती है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा और अपने कॉपी में भी नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो इसके बाद अपन लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि यांत्रिक तरंग की कुछ अभिलाक्षणिक विशेषताएं हम लोग को पूछ दी जाती है कि इसकी विशेषताएं बताइए, तो उसको भी नॉलेज में रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला आता है कि माध्यम का प्रत्येक कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर एक निश्चित आवृत्ति से जो है कंपन करता है, मतलब साम्य स्थिति के दोनों ओर जो है एक सेम जो है आवृत्ति से जो है वो कंपित करता है, ये बताना चाहता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉस्टुलेट है कि तरंग के चलने की दिशा में माध्यम में ऊर्जा का जो है संचरण होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि माध्यम में ऊर्जा का जो है संचरण होता है, ठीक है। माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्रमिक कंपनों के द्वारा एक निश्चित चाल से चलते हैं, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण जो है एक निश्चित चाल से होता है, उसमें जो है फ़र्क नहीं आता कि इसमें चाल अलग है तो उसमें चाल अलग हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें चाल में जो है एक रूपता रहती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट तो हो गया, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आते हैं कि जब एक ही बिंदु पर अधिक से ज़्यादा तरंग पहुँचती है तो उस पर जो है तरंग का जो है अध्यारोपण हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ एक जैसे एक बिंदु है तो यहाँ पर बहुत सारा तरंग मिल रहा है, तो यहाँ पर जो मिलने की जो बिंदु है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यारोपण बोलते हैं। पिछली कक्षा में आप लोग बेसिक बेसिक जो पढ़ चुके हैं, आप लोग को रिवाइज बस हो रहा है, ठीक है ना।
उसके बाद अपन लोग जो है प्रगामी तरंग में आ जाते हैं। तो प्रगामी तरंग भी आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे। तो क्या होता है प्रगामी तरंग की? कंपन की कला ऊर्जा एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरण के कारण माध्यम में उत्पन्न इस विक्षोभ को, मतलब जो कण का स्थानांतरण होता है यानी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसी को हम लोग जो है प्रगामी तरंग कहते हैं। इसमें जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसको बेसिकली हम लोग जो है प्रगामी तरंग बोलते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट होता है कि दी गई विपरीत दिशाओं से चल रही प्रगामी तरंगों के, मतलब जो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जो है तरंग गति करता है उसके जो उससे जो तरंग का जेनरेशन होता है उसको हम लोग जो है अप्रगामी तरंग बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये बेसिक बेसिक आप लोग जो है क्लास 11 में भी पढ़े होंगे। उसके बाद गाइस जो है नेक्स्ट अपना है कि तरंग चाल। ठीक है, यहाँ पर बेसिक बेसिक जो है डेफिनेशन हम लोग को पता रहना चाहिए कि तरंग चाल क्या होता है। तो तरंग चाल जो है तरंग विक्षोभ द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग चाल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आवृत्ति, माध्यम का कोई भी कण 1 सेकंड में जितने पूरे कंपन करता है उसे उस संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? तरंग की आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा ताकि आप लोग को डेरिवेशन करने में जो है प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में आता रहे। ठीक है ना? तो उसके बाद है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल इज इक्वल टू 1/μ बोलते हैं। ठीक है, माध्यम का कोई कण जो है एक समय में जितने कंपन पूरा करता है उसको उसका आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है ना? ये तो आप लोग बेसिक पिछले कक्षा में जो है पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद अपना है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, माध्यम के किसी कण का एक पूरे कंपन काल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा कंपन को जितना समय लगता है उसको हम लोग वो है तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, या इसका डिस्टेंस को जो है हम लोग वो है तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पास से आप लोग इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना है आयाम। ठीक है, माध्यम के कण द्वारा अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को जो है हम लोग जो है आयाम बोलते हैं। ठीक है, जो भी अधिकतम विस्थापन कितना होता है उसको हम लोग जो है उसका आयाम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है बेसिकली ए से डिनोट करते हैं। सब जो बेसिक टर्म है जो आप लोग जो है पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे। सो इसके बाद यार अपना है जो एक छोटा सा डेफिनेशन है, अनुप्रस्थ तरंग की चाल इज इक्वल वी से डिनोट करते हैं हम लोग। वी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? अंडर रूट तनाव बल अपान एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसको इस तरह के तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल को हम लोग जो है अंडर रूट प्रत्यास्थ अपान इसको घनत्व लिखते हैं। ठीक है, घनत्व है, यहाँ पास आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, इसको हम लोग जो है घनत्व लिखते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पास हम लोग जो है बेसिक बेसिक जो है डेफिनेशन को जान लेते हैं और इसके आगे मैं आप लोग को जो है डेरिवेशन कराऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिएगा, मैं आप लोग को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करूंगा। हालांकि थोड़ा क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है, मैं उसको सुधारने की ज़रूर से कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ गाइस आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल के बारे में बताइएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ और आपके बीच वीडियो लाता रहूँ। वरना अगर व्यूज़ नहीं आते तो मैं इस चैनल को बंद करना पड़ जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट थोड़ा बना के रखिएगा और अपना प्यार ऐसे ही देते रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन।